वो सैलाब जदगान की खिदमात के लिए अपने आप को सबसे ज़्यादा पेश कर रहे हैं उनमें अफवाज पाकिस्तान हैं, और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो सैलाब जदगान के लिए वक्फ़ कर दी हैं, और उनको लिए भी और उनके खुसूसन शहदा के लिए, और जो उस सैलाब के अंदर शहीद हुए यानी बच्चे बूढ़े मर्द औरत लातादाद फौत हुए। नबी पाक का फरमान है कि जो आफत में फौत हो जाए वो शहादत के मरतबे पर पहुँचता है, उनके लिए भी दुआ करें। बाकी इंतज़ामिया जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान की, जो भी गुरबा मसाकिन के लिए कुछ कर रहे हैं, उन सब के लिए दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लना अमानन मिन कुल्ली खौफिन सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। اللهم سن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا واسع العطاء يا من يا دافع البلايا يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسكنا بالصالحين اے الہ العالمین یہ مرکز علم و عمل یہ دار العلوم जो ज़िया भी हैं और चिश्तिया की ज़िया भी हैं, जस्टिस पीर करम शाह साहब के तवज्जुहात का मरकज़ भी है, और ये उलमा मशाइख जो हाँ यहाँ जलवा फरोज़ हैं, इनकी गोया के दुआओं और इनकी तरबीजतों और इनकी मेहनत का एक असर भी है, और उलमा मशाइख यहाँ पर जलवा फरोज़ हैं। या अल्लाह जितने भी इसातिज़ा हैं और जितने भी उलमा मशाइख हैं इनके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमा, और वो तलबा जिनसे हुसूल फैज़ के लिए हाजिर होते हैं या अल्लाह उनको इनके इनसे हुसूल फैज़ इस अंदाज में लेने की तौफीक दें कि वो इनकी तारीकियों को दूर कर दें, इनके दिलों को रोशन कर दें, इनके दिलों को मुनव्वर कर दें, और उसकी वजह से इनके ख़ानदानों पर रहम हो, इनके ख़ानदानों पर करम हो, इनके वालदैन के गुनाह मुआफ़ हों, हमारे वालदैन के गुनाह मुआफ़ हों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के गुनाह मुआफ़ हों। या अल्लाह जितने भी इसातिज़ा इस वक्त मौजूद हैं इनके लिए भी दुआ है, जो दुनिया से चले गए उनके लिए ये भी दुआ है। अल्लाह उनके कबूर रहम पे रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। और ये मदरसा जब से इब्तिदा हुई है हज़रत मौलाना मोहम्मद अनीस साहब चिश्ती मदज़िल्लाहु अली ये राहवाली में जलवा फरोज़ हुए हैं, उस वक्त से लेकर आज तक जिन्होंने इनके साथ तआवुन किया है, अगर दुनिया से चले गए तो मेरे मालिक ज़मीन के नीचे उनको जन्नत और फिरदौस का मालिक बना दें, और जो ज़मीन के ऊपर उनके साथ इमदाद कर रहे हैं या अल्लाह उन्हें अपनी बारगाह से इतना अता फरमा कि दुनिया में रहें तो खुशहाल रहें, दुनिया से जाएँ तो ईमान की दौलत से माला मार रहें, और ईमान की दौलत के साथ जब जाएँ तो फरिश्ते उनसे गोया के नकीरैन सवाल जवाब में आसानी करें। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस के मकाम से माला माल फरमाए। मेरे मालिक अपने फजल व करम से इस मदरसे के अंदर जिसने कदम भी रखा और यहाँ खाना खाया या खाना खिलाया, यहाँ पर बैठा उठा और कुछ भी हासिल किया नहीं किया तो उलमा की ज्यारत कर ली, या अल्लाह उसके भी बख्शिश फरमा दें, उस पर भी करम फरमा दें। या अल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद अनीफ चिश्ती इनके वालदैन इनकी ज़ौजाए मोहतरमा जो इस दुनिया से चले गए, मेरे मालिक उनकी कबूर पर भी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह इनके इल्म दीन का सदका, इनकी औलाद के साहिबान इल्म अमल होने का सदका, इस मदरसे का सदका जारिया होने का सदका, या अल्लाह इनके ख़ानदान के जितने भी अफराद इस दुनिया से गए उनकी बख्शिश फरमा, और मेरे वालदैन आपके वालदैन और सबके वालदैन जो इस दुनिया से चले गए, या अजीज़ व अकारिब या दुआ के लिए मोहताज कोई दुनिया से चला गया साहिब ईमान है, या अल्लाह उसके लिए भी तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। बिलखसूस हम अपने इसातिज़ा से लेकर इला नबी पाक अलैहिस्सलाम जितने भी इसातिज़ा हैं उन तमाम के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को हमारी तरफ से बेहतर जज़ा अता फरमा, और उनका इल्म जो इन उलमा की वजह से सीनों में आ रहा है, या अल्लाह हजूर के नूर को हमारे सीनों में भरपूर फरमा, और नूर से हमारे सीनों को जगमगा दें, इस अंदाज में जगमगा दें कि या अल्लाह दुनिया के अंदर रोशनी हो जाए, और ये शमाए इल्म जो है ये रोशन हो जाए, पाकिस्तान जो है ये न्यू इल्म के नूर से उजाला ले दें, और यह
یہاں پر جو جہالت کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہاں پر نظام مصطفیٰ کی بہار دیکھنی نصیب آئے۔ رائے رعایا حاکم محکوم، یا اللہ سب کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال تو فرما، لیکن ان کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنا، اور انہیں رائے رعایا حاکم محکوم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا، انہیں نظام مصطفیٰ کی بہار پیدا کرنے اور ہم پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جبھی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ میں سلاب کے اندر جتنے بھی مرد و عورت بچے بوڑھے فوت ہوئے، یا اللہ ان تمام کے لیے سال ثواب ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا ہے، اور افواج پاکستان کے جتنے بھی شہداء کسی بھی حادثے میں فوت ہوئے، یا اللہ ان کے لیے بھی سال ثواب ہیں۔ پاکستان جب بنا تھا اس وقت لوگ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جو خدمات عطا کرتے ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں کرم فرما، ہم جتنے موجود ہیں یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس میں تو راضی ہے، تیرا محبوب راضی ہے۔ ہمیں ان کاموں کی توفیق نہ دے جس میں تو ناراض ہے، تیرا محبوب ناراض ہے۔ یا اللہ شان کی زندگی دے، ایمان کی موت عطا کر، قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا آتینا خیر الدنیا و خیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا و شر الآخرہ، یا الہ الاولین والآخرین، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ثبتنا علی صراط مستقیم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔